सी इंडिया लिमिटेड अमीलिया कोल माइंस के खिलाफ विस्थापितों के द्वारा अनिश्चित धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन। अपनी 23 मांगों को लेकर बैठे अनिश्चित धरना प्रदर्शन में सिंगरौली टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अमीलिया कोल माइंस टीडरवाह के विस्थापित परिवार की विभिन्न न्याय संगत मांगे हैं, जिन्हें टीएचडीसी कंपनी प्रबंधन के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसे कई बार कंपनी के अधिकारी व जिला प्रशासन एवं अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों से आवेदन और निवेदन किया गया है, किंतु ना तो विस्थापितों की मांगों को पूरा किया गया है, न ही कोई ठोस आश्वासन दिया गया। जब तक टीएचडीसी कंपनी के प्रबंधक व प्रशासन स्वयं विस्थापितों के सामने आकर समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक लोग धरने पर बैठे रहेंगे, कंपनी के कामों को रोक कर रखेंगे। अभी तक विस्थापित परिवारों को टीएचडीसी कंपनी के द्वारा कुछ परिवारों का विस्थापन में नाम दर्ज नहीं किया गया है, कुछ विस्थापितों का मुआवजा नहीं मिला व 20 विस्थापितों की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिसों की विस्थापित सूची में नाम नहीं जोड़ा गया है। विस्थापित परिवारों को ना तो नौकरी दी गई है, ना ही भत्ता दिया जा रहा है। यह अनिश्चित धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन भी जारी है और रहेगा, जब तक टीएचडीसी कंपनी के मालिक और प्रशासन आकर स्वयं विस्थापितों की मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक अनिश्चित धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्राम पंचायत तेंदुआ के सरपंच माननीय श्री छोटे सिंह मरावी जी के द्वारा बताया गया कि एके शर्मा बिरला कंपनी के प्रबंधक के द्वारा विस्थापितों को आज लगभग 5 वर्षों से भ्रमित किया जा रहा है। केवल आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते यह अनिश्चित धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। जब तक हम सबकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक यह अनिश्चित धरना प्रदर्शन लगातार प्रदर्शित रहेगा। इस मामले को गंभीरता लेने पहुंचे बिरला कंपनी के प्रबंधक श्रीमान एके शर्मा जी, जो कि समस्या का समाधान नहीं कर पाए तथा पत्रकार को अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया और पब्लिक को गुमराह किया गया। शर्मा जी के द्वारा बोला गया कि विस्थापितों का सारा भुगतान प्रशासन को हो चुका है, प्रशासन के द्वारा भुगतान नहीं दिया जा रहा है तथा मानवाधिकार जनसेवा एसोसिएशन ग्रुप को नेतागिरी झाड़ने को कहा गया शर्मा जी के द्वारा। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे तेंदुआ पंचायत के सरपंच माननीय छोटे सिंह मरावी, चितरबई कला के सरपंच आशीष साकेतवा, एडवोकेट शैलेंद्र जी, मटुकलाल साहा, जनकलाल सोनी, विस्थापित परिवार के लोग व सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोग तथा तमाम बरगवा थाना के पुलिस बल व मानवाधिकार जनसेवा एसोसिएशन से आए तमाम स्टाफगण उपस्थित रहे। दैनिक सम्यक एक्सप्रेस जिला ब्यूरो चीफ आशीष कुमार साहा की खास रिपोर्ट। दैनिक सम्यक एक्सप्रेस अखबार से आशीष कुमार साहा, जो कि टीएचडीसी अमीलिया कोल माइंस लिमिटेड के मेन गेट पे आज अनिश्चित धरना प्रदर्शन आज लगातार 2 दिनों से दे रहे हैं, जो कि इन विस्थापित परिवारों की समस्या का समाधान अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है। अजी आपका परिचय? मैं एके शर्मा, इस परियोजना का चूँकि ये माइन टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की अमीलिया कोल माइन है, इसका मालिक मतलब टीएचडीसी ही है, और हमने जो है ये कार्य आदित्य बिरला ग्रुप के एमडीओ इन्होंने एसीएमएल बनाया हुआ है, इसको टेंडर करके काम आवंटित किया है। इसमें जो है ये कंपनी जो है कोयला ओवरबर्डन हटाना, कोयला निकालना और इसको कोयला को परिवहन करके रेलवे साइडिंग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है इनको, और ये लोग काम कर रहे हैं इसमें, तो बहुत सा काम हमने इनको भी सौंपा हुआ है। कुछ ठीक है, उसमें कोई अनियमितता है कोई है तो उसको भी हम ठीक करेंगे उसको, और बाकी जो बचा कि जहाँ तक कि मुआवजा के भुगतान का, क्योंकि देखिए ये ऐसा है कि कोल माइन कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, इतने बड़े एरिया का विस्थापन है, इतने लोगों पब्लिक का विस्थापन है, ज़्यादा चीज़ें जो भुगतान है मूल अवार्ड से मैक्सिमम लोगों का छूट गया है, किसी का आजकल कोई अपना बैंक अकाउंट नहीं दे पाया, कोई दस्तावेज नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसका कोई छूटा हुआ है कोई चीज़, तो उस पर भी जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि हम लोग
ये भारत सरकार का ये सीएचजीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, तो हम लोग अपने डायरेक्टली कोई पेमेंट नहीं करते हैं। कलेक्टर महोदय की मांग पत्र जारी होने के पश्चात हम उनको भुगतान करते हैं और उन्हीं के माध्यम से पैसा सभी काश्तकारों को उनके ट्रेजरी के द्वारा जो है काश्तकारों को या हितग्राहियों के अकाउंट में जाता है। तो इसी प्रक्रिया से बहुत सारी चीज़ों का भुगतान हो गया है और अभी जिला प्रशासन ने जितना भी मांग पत्र हमें प्रेषित किया है, किसी भी से संबंधित, चाहे विस्थापन से संबंधित है, चाहे ये मुआवजे से संबंधित है, तो उसको हम लोगों ने सारा भुगतान कर दिया है और अब वो केवल भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। थोड़ा सा इधर कुछ विलम्ब हुआ है भुगतान में, मैं मानता हूँ, लेकिन हमने अभी अपनी पूरी टीम SDM देवसर साहब के ऑफिस में लगा रखा है कि सब लोग कागज पत्र बनाने में कोई मदद करके उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर दें। जैसा कि सर आपके द्वारा भी कहा जा रहा है कि सभी विस्थापित परिवारों का जो भुगतान है हमारे तरफ से पूरी तरह से कंपनी की ओर से किया जा चुका है, लेकिन यहाँ भी विस्थापित परिवारों को अभी तक भुगतान मिला क्यों नहीं और कहाँ रुका है? हाँ, ये एक्चुअली प्रक्रिया, फिर हम भुगतान कलेक्टर साहब के मांग पत्र के अनुसार हम भुगतान कर देते हैं धनराशि का। उसके बाद जो है बाकी फिर SDM देवसर साहब की तरफ से एक एक केस अलग से बनता है और सबका केस बन के और कलेक्टर साहब के दफ्तर में आता है, फिर कलेक्टर साहब के यहाँ भी अप्रूवल अनुमोदन होता है, उसके बाद उनके ट्रेजरी से जो है सभी विस्थापितों को या काश्तकारों को जो उनका मुआवजे का भुगतान है उनके खाते में जाता है। इसमें प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाधीन है। तो सर आप बातों को घुमा क्यों रहे हैं? आपको जैसे लगता है कि आपने जैसे पहले बोला कि मैंने विस्थापित परिवारों का जितने भी भुगतान राशि है मैंने सभी का भुगतान कर चुका है, प्रशासन के द्वारा भी नहीं दिया जा रहा, फिर अभी अब घुमा फिर घुमा फिर इनका कथन ये है। ऐसा है कि देखिए कि अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई वो उनके द्वारा ये भी नहीं कह सकते कि नहीं उनको द्वारा नहीं दिया जा रहा। सब प्रक्रिया में असल में कलेक्टर साहब पैसा आ गया, फिर SDM देवसर साहब के पास जाता है, फिर उनके नीचे पटवारी से लेके RI से लेके सब जगह वो सब पेपर बनते हैं, तहसीलदार के दस्तखत होते हैं, फिर SDM साहब के दस्तखत होते हैं, फिर उनके पास आता कलेक्टर साहब के पास, ठीक है, उसको उसको और चित्र गति से करने के लिए सहायक के रूप में आदमी भी लगाते हैं। कल भी बात किया है और अभी आज भी हम तो सर क्या इस धरना प्रदर्शन में 2 दिन से लगातार अनिश्चित धरना चल रहा है, तो क्या आप अभी मौजूद हैं? तो इस पर कलेक्टर साहब को आप बुला के यहाँ प्रशासन को बुला के सामने इन लोगों की समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर सकते? चलिए मैं जा रहा हूँ, से सारे बिंदुओं पे बात करूँगा, अगर अगर जरूरत उचित होगा उनको करूँगा बताने के लिए। सर तो जैसे कि आप विस्थापित परिवार लोगों को कितने परसेंट लोगों को आप नौकरियाँ मिल रही है जिसी कंपनी में दिलाए? हाँ, वो जो है ये जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि कुछ अपना कुछ 50 से कुछ ऊपर ही लोगों की नौकरी यहाँ पे लगे। देखिए ये किसी भारत सरकार की कंपनी है, इसके जो नौकरी का जो प्रक्रिया है, एड निकलता आता है, नौकरियाँ निकलती रहती है, वो आप किसी से भी पता करोगे कि आजकल सरकारी कंपनियों में नौकरी कैसे होती है, तो ऐड निकलता है और ओपन फोरम में पूरे हिंदुस्तान का कोई आदमी अप्लाई कर सकता है उसमें, और इंटरव्यू होता है या रिटन टेस्ट होता है उसके माध्यम से होता है। हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ क्योंकि हमें पता है हम माइनिंग खुद डिपार्टमेंटली जैसे यहाँ NCL करता है वैसा नहीं कर रहे हैं, हमने टोटल काम MDO को दे दिया है, MDO मतलब आदित्य बिरला ग्रुप को, और उन्हीं के उनके एग्रीमेंट में डाला हुआ है कि इनमें सभी को रोजगार या नौकरी जो भी है या एक मुस्तान भत्ता या जो भी चीज़ें हैं वो उनके माध्यम से वितरित ही रहेंगी। सर जैसा कि हम यहाँ लोगों का सुनना सुन पा रहे हैं, लोग हमारे से चर्चा किए कि अभी तक जो विस्थापित परिवार हैं जो कि अभी जमीन का और घर का मुआवजा तक अभी तक नहीं मिला, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा है, ऐसे कम लोग बचे हैं, ऐसा नहीं है कि 10% लोगों का सब बचा हुआ है, मैक्सिमम ऐसा वो हम रिकॉर्ड दे सकते हैं कितने लोगों में से कितने का भुगतान हो गया है, कितने लोग बचे हैं, वो बचने वाले कम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा संख्या है, बहुत कम लोग बचे हुए हैं जिनका भुगतान अभी अवार्ड में या किसी चीज़ में बचा हुआ है, कुछ लोगों का बचा हुआ है और वो सभी भुका नहीं है और प्रक्रियाधीन। कहने का तात्पर्य है जैसा आप लोगों ने सुना, अभी इन्होंने बताया कि सारा गलती शासन प्रशासन कलेक्टर SDM की है और अभी बात इन्होंने घुमा दिया,
ये गुमराह करने की लोगों की चाल होती है। ऐसे में धरना प्रदर्शन नहीं खत्म होगा, जिनकी गलती है उनको लेके समक्ष में आइए, जितने भी मुद्दे हैं उस पे के निराकरण करिए, इसके बाद ही ये प्रदर्शन हटेगा। और आप लोग ऐसे गुमराह मत करिए, सबके समक्ष में अभी इन्होंने बोला था कि सारी गलती शासन प्रशासन कलेक्टर एसडीएम की है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण भारत, मैं ये पब्लिकों के लिए निराकरण के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे भी कंपनी के प्रबंधन बैठे हुए हैं, ये स्थानीय मुद्दों को लेकर बात हुई है, जिला प्रशासन को दोषी दे रहा है, जिला प्रशासन जो है कंपनी को दोषी दे रही है। इसके लिए जो है हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने पब्लिक हैं, माता हैं, बहने हैं, बेटी हैं, उनको जो भी उचित मांग है वो पूरा किया जाए। और अगर ये मांगे पूरा नहीं होती है तो निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और इनकी लड़ाई के लिए मानवाधिकार जनसेवा एसोसिएशन सदैव तत्पर रहेगा। जब आपको न्याय की न हो आज तो आइए मानवाधिकार जनसेवा एसोसिएशन के पास, हम आपको संपूर्ण न्याय दिलाने का करेंगे। धन्यवाद। अगर जी मैं मानवाधिकार जनसेवा एसोसिएशन का जिला संगठन मंत्री सिंगरौली मध्य प्रदेश जी। आप पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं? पब्लिक के लिए न्याय दिलाना चाहते हैं, हमारा काम है पब्लिक के हित में मानव का अधिकार दिलाना चाहते हैं। अगर जो नहीं कर पाता तो वो बताएं, उसके लिए हमारा मानवाधिकार उसके लिए सक्षम रहता है, हमेशा 24 घंटे फुल टाइम पे जब उसकी आवश्यकता पड़ती है हम लोग वहाँ पे सारे कार्यकारी पदाधिकारी सब पहुँचते हैं, हम उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। इन्होंने जैसा बोला कि शासन को, प्रशासन को, कंपनी को, सबको समक्ष लेके आए, हमारा काम है समाज को न्याय दिलाने का, वो हम अपना कार्य करेंगे। जैसे कि कंपनी प्रबंधन द्वारा पत्रकार को गलत ठहराया बोला गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है, पत्रकार बंधुओं के साथ इस प्रकार का जिस लहजे में बात की है सरासर गलत है, इनके ऊपर मानहानि का दावा होना चाहिए। जैसे कि पत्रकारों के ऊपर गलत ठहरा रहे हैं तो ये तो पब्लिक को, विस्थापितों को हमेशा की तरह चूना लगाते रहे करके रखते हैं महोदय। ये हर किसी को बस आते हैं बस ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे ऐसा कुछ नहीं, ये पत्रकार बंधु को भी ऐसा कह सकते हैं तो किसी को भी कह सकते हैं।